नमस्कार, आप देख रहे हैं डिबेट लाइव। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। इस सवाल के साथ कि क्या मान लिया जाए कि 30 साल के बाद अब ज्ञानवापी का रास्ता साफ, इस मुद्दे पर आज बड़ी बहस करेंगे। एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर। ज्ञानवापी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दें, वाराणसी कोर्ट ने इजाजत दे दी है, व्यास जी तहखाने में पूजा की परमिशन दी है वाराणसी कोर्ट ने। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, 30 साल के बाद हिंदू पक्ष को पूजा की अनुमति मिली है व्यास तहखाने में। न्यूज नेशन के पास आदेश की कॉपी है जिसकी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखाएंगे। इस खबर का बहुत बड़ा मतलब आने वाले वक्त में इस पूरे विवाद को लेकर। 30 साल के बाद हिंदू पक्ष का जो इंतजार था वो यहां पर खत्म होता नजर आ रहा है। हालांकि मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि अभी हाईकोर्ट का रुख किया जाएगा। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, व्यास तहखाने से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, काशी विश्वनाथ से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, ज्ञानवापी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, व्यास तहखाने में पूजा की अनुमति वाराणसी कोर्ट की तरफ से दे दी गई है। वो व्यास तहखाना जहां पर साल 1993 तक पूजा होती थी, लेकिन अब पूजा नहीं हो पा रही थी।